नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोलेश कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ जनरल करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के बारे में। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? 30 रुपए का ई चलान पुलिस हेड 005 का। ये चलान कैसे बनेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं साइट पर। सबसे FMS की साइट पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस साइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्रिएट UKOS ID यूजर बनाना पड़ेगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। अपना नाम, अपना मिडल नेम, लास्ट नेम, अपना एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट पहले से ही चूज रहेगा। पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसके बाद पैन कार्ड का नंबर यहाँ डाल देंगे, आधार कार्ड का नंबर यहाँ डाल देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, GST नंबर, ईमेल आईडी यहाँ डाल देंगे। GST नंबर हो तो डाल देंगे, वरना तो छोड़ देंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा, आपका ID यहाँ पर बन जाएगा। मैंने ID पहले बना रखा है, तो मैं अपना ID और पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा, उसके बाद ही कैप्चा भरूंगा और साइन इन पर क्लिक कर दूंगा। हम लॉगिन हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है, आपको चूज करना है। आप यहां पर ढूंढेंगे जनरल पुलिस, जनरल पुलिस पर क्लिक कर देंगे। आपको यहां पर चूज करना है सुपरिटेंडेंट। तो हमारे एरिया का हरिद्वार लगता है जो सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है, तो हम इसे क्लिक कर लेंगे। आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है 005 पुलिस। उसके बाद ये चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इनमें से कुछ चूज नहीं करना है। अदर फीस पर क्लिक कर देना है। अदर फीस पर क्लिक करने के बाद यहाँ 30 भर देंगे। उसके बाद एड सर्विस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, प्रोसीड कर देंगे। नीचे आप यहां पर देख रहे होंगे, वैसे आपका नाम यहां पर पहले ही आ जाएगा, लेकिन आप किसी और के नाम से बना रहे हैं तो चेंज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको वहां उनका नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर और किस पर्पस से बनवा रहे हो ये करके प्रोसेड कर देंगे। तो मैं सारी डिटेल भर देता हूं। सारे डिटेल भरने के बाद प्रोसेड सामने इस तरह से पेज खोल कर आएगा। क्लिक टू प्रोसेड पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये खुल कर आएगा, आपको प्रोसेड पर क्लिक करना है। थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। इसमें सबसे आसान मुझे लगता है नेट बैंकिंग का, तो नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। आपको यहाँ पर अपना अपना बैंक चूज कर लेना है, फेडरल बैंक। मेरा फेडरल बैंक है, तो मैं फेडरल बैंक चूज करके मैक पेमेंट। उसके बाद अपना मैं ID पासवर्ड डाल के ये सब कर लेता हूँ, उसके आगे के बाद प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। आपकी फीस सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट चलान का ऑप्शन आएगा, हमारी कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुकी है फीस। हम प्रिंट चलान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक चलान निकल के आ जाएगा ये। तो आपको इसको PDF को सेव करके रख लेना है, ये फोरम में हमें मदद करेगा। तो हम चलते हैं पोर्टल की ओर। दोस्तों हम अपनी सरकार उत्तराखंड पर आ जाएंगे और यहाँ पर सर्विस पर क्लिक करेंगे। सर्विस के बाद आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट जनरल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। आपको क्या करना है, अपना एक फोटो चूज करना है और वो फोटो आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको ID प्रूफ में अपना आधार कार्ड लगा देना, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड लगा देना है, वो चलान यहाँ पर चूज करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो मैं सारी डिटेल को फटाफट फिल कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं सर दोस्तों, ई चलान हमारा यहाँ पर अपलोड होगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंट में आपने जहाँ भी रख रखा होगा चलान प्रिंट, ये रहा मेरा चलान, हम इसे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने नीचे सबमिट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये पेज इस तरह से खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डालना है, फादर नेम यहाँ पर डालना है, मदर नेम यहाँ पर डालना है, एजुकेशन कितना क्या है यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना, आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो आप इनमें से डाल देंगे, अगर नहीं चल रहा है तो नॉट वैलिड पर क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड का नंबर यहाँ डाल देंगे। तो मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, आप कोई बिजनेस करते हैं या काम करते हैं वो यहाँ पर डालेंगे, अपना रूरल है अर्बन है वो डालेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, उसके बाद अपनी तहसील चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको पटवारी चौकी चूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको पुलिस स्टेशन एरिया चूज करना है। आपको यहाँ पर आपका जो थाना एरिया है जो भी लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद अपना विलेज यहाँ से चूज कर लेंगे। अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद करंट एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो दोनों एड्रेस यहीं पर पेस्ट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर चेक मार्क लगा देंगे और
पे एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो मैं सब डिटेल फिल कर लेता हूँ, हमारी सब डिटेल फिल हो चुकी है, पे एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपको अपना CSC का पासवर्ड और वॉलेट पासवर्ड डालकर यहाँ से आपको काम फाइनल हो जाएगा। तो मैं ये कर देता हूँ। फीस सबमिट होने के बाद आपके सामने इस तरह से आपकी फीस की वो स्लिप है जो जनरेट हो जाएगी, इस स्लिप को आपको उठाकर रख लेना है। ये 15 दिन में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट 15 से 20 दिन में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा।